मॉक टेस्ट को चलिए साइंस ले लेते हैं साइंस का है भाई ओके बच्चा <coughs> तो हमारा साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो एक ग्राफ को बताता है और ग्राफ से आपको दो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे वो सॉल्व करना है तो पहले हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे फाइन तो सबसे पहले ग्राफ हमारे लिए क्या लेकर आया है ये तो ब्लैक आ गया ओके देन आई होप बच्चा आपको ये अच्छी तरह से नजर आ रहा है Fine. तो बच्चे देखो, ये जो हमारा ग्राफ है ना इसमें दो पैरामीटर्स है जिनके अगेंस्ट में ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाया गया है फाइन तो so, एक पैरामीटर क्या है बेटा हमारा एक टेम्परेचर है दूसरा है हमारा टाइम तो so, ये टेम्परेचर हो गया और ये टाइम हो गया फाइन अब देखो यहाँ पर जनवरी टू दिसंबर का पूरा का पूरा टाइम यानी मंथ में दे रखा है और जो ग्राफ है हमारे लिए वो आ, डिग्री सेल्सियस के अंदर है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और यहाँ पर है माइनस टेन यानी और माइनस ट्वेंटी तो जब भी हम माइनस टेम्परेचर की बात करेंगे बच्चों तो माइनस टेम्परेचर कहाँ होगा जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती होगी या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम पोलर रीजन की बात कर रहे हैं फाइन तो ये बात समझनी हमको जरूरी है ओके okay? नाउ <coughs> ओके <laughs> तो okay. so, अब यहां पर देखो बेटा हमारे लिए क्या पूछा है पहले ग्राफ में देख लेते हैं हम लोग तो ग्राफ में देखो हमारे पास में दो लाइन है है ना एक लाइन है ये वाली जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारे लिए y अब y शुरू कहां से हो रहा है बेटा y शुरू हो रहा है माइनस टेन से और दिसंबर में जाते जाते दोबारा से माइनस टेन और माइनस ट्वेंटी पे आ रहा है दैट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं पोलर रीजन की गुड दूसरा जो हमारा ग्राफ है वो काइंड ऑफ स्टडी है तो so, वो क्या चल रहा है बच्चा थर्टी फाइव से शुरू हो रहा है और फोर्टी पर जाके खत्म हो जा रहा है तो so, हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे जोन की बात है गुड तो ये जोन मैंने आपको पढ़ाए हैं ट्रोपिक या टोराइड जिन्हें हम लोग बोलते हैं देन टेम्परेट और फिर पोलर या फिर फ्रिजिट जोन जिनको बोलते हैं ठीक है बच्चा चलो तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्या है बच्चा द एनिमल फाउंड एट प्लेस एक्स शुड बी हैविंग फॉर यानी जो 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे रह रहा रह है नेचुरल सी बात है 30 से 40 हम लोग टेम्परेट नहीं लेंगे बेटा हम लोग ट्रॉपिक ले लेते हैं तो जो टोराइड रीजन में रह रहा रह है या जो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहा है उनके अंदर क्या अडेप्टेशन हो गए एनिमल का ठीक है <coughs> तो रिड्यूस स्वेटिंग थिक फॉर एबिलिटी टू इजीली क्लाइंब अप एंड डाउन ट्री गिल्स टू ब्रीथ अंडर वॉटर नहीं यहां पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों स्वेटिंग स्वेटिंग को कम से कम मतलब वॉटर का बॉडी से कम से कम नुकसान हो बच्चा ये अडेप्टेशन हमारा जितने भी ट्रोपिकल एनिमल्स होंगे उनके अंदर पाया जाएगा नाउ द एनिमल हैविंग एट लिविंग एट वाई शुड बी हैविंग एडेप्टन फॉर Layer of fur, as they are living at polar region. Good. तो so, ये दो question हो गए तो समझ में आया कि जो animal ऐसी जगह रहते हैं बच्चा जहां पर temperature बहुत ज्यादा है तो वो कुछ ऐसा adaptation अपनी body के अंदर लेकर आएंगे जिससे water कम loss हो दूसरा <coughs> ऐसे animal <आनिमल... coughs> सॉरी ऐसे एनिमल बच्चा जो कि बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर पे रहते हैं हम मान के चलते हैं फ्रिजिट जोन में रह रहे हैं या पोलर रीजन में रह रहे हैं तो उनका ऐसा बॉडी अडेप्टन होगा जिससे कि वो ठंड से बैठ सके तो हम ऐसे बोलेंगे कि उनकी बॉडी के ऊपर एक फर की बहुत अच्छी वाली लेयर होगी ये दोनों चीजें बेटा मैंने आपको अडेप्टन के अंदर पढ़ाई है ठीक है हाँ बच्चों मुझे याद है कि मुझे आपको रॉक एंड सॉइल पढ़ानी है लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि जब भी मैं पढ़ाऊंगी उसका पहले नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाएगा तो डू नॉट वरी अबाउट दिस मैं ये चीजें आपको पढ़ा दूंगी मेनली परसों में आपको ये परसों या सैटरडे तक मैं आपको ये चीजें कंप्लीट करवा दूंगी फाइन <coughs> चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड है हमारे ग्राफ से रिलेटेड तो आपको क्या बताना है बच्चों <coughs> आपको वो एनिमल बताने हैं जो एक्स और वाई पे रहते होंगे तो वाई पे जब हम जाएंगे हम लोग पोलर के लिए जाएंगे तो पोलर में यहाँ पे स्कॉर्पियन नहीं रह रहा स्नोवी, आ, स्नोवी नहीं रहता है या कैमल की बात करते हैं यहां पर एक्स है हमारे पास में मेंॉक आर्टिक हेयर है, हेजहॉक और पेंगुइन तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रियट जो हमको लग रहा है वो है हेजहॉक और वायर्लस वायर्लस जो होते बेटा वो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक सील गुड चलो <coughs> नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं यहाँ पर ओके ओके बच्चों सो सुरभि इज प्रैक्टिसिंग हार्ड टू विन दी इंटर स्कूल मैराथन वन डे हर इंस्ट्रक्शन मेजर द रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ हर हार्ट बीट ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग सेशन इन विच शी डिड अप एक्सरसाइज एंड रन देन ही प्लॉटेड हिज रिकॉर्डिंग द ग्राफ एज शोन बिलो सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन तो यहां पर बेटा हमारे पास में टाइम है और यहां पर हमारे पास में हार्ट बीट है तो देखो यहां पर 70 के आसपास हार्ट बीट है तो 70 हमारी नॉर्मल होती है उसने तो रनिंग को स्टार्ट किया गुड उसके बाद में हम ऐसे बोलते हैं ई पर आके उसने रनिंग को स्टॉप कर दिया अब इसी के अकॉर्डिंगली बेटा हम लोगों को अपने आंसर को देख लेना है खत्म तो देखो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे ए इज अ पॉइंट वेन शी स्टार्टेड वार्म अप नहीं बेटा ए तो नॉर्मल जो हमारी बॉडी की हार्ट बीट है वही यहां पर दिख रही है ठीक है ओके जनाहन नाउ बी इज द पॉइंट शी स्टार्टेड रनिंग नहीं ये बी तो वो है जहां पर वार्म अप हो रहा है क्योंकि यहां पर भी स्टडी है हार्ट बीट बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज नहीं हो गई बेटा नाउ सी इज द पॉइंट वेन शी स्टार्टेड रनिंग करेक्ट है क्योंकि यहां पर देखो कि आप ग्राफ ऐसे से हल्का सा ऐसे रेज हो रहा है गुड तो सी वो पॉइंट है बेटा जिस पे वो रनिंग को स्टार्ट करी है एंड डी इज द पॉइंट व्हेन शी स्टॉप नो स्टॉप कब किया बेटा उसने ई e के ऊपर तो यहां पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा <coughs> जब भी बच्चों अगर आपको ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं ऑल यू नीड टू डू इज आपको ग्राफ को बहुत केयरफुली जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है खत्म चलो नाउ अभी हमारे पास में कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस है बेटा ये मैंने आप लोगों को करवाई भी है ओके <coughs> okay, तो मिक्स एंड मैच है सबसे पहले हम अपने मैचेस बनाएंगे और फिर उसके बाद में ऑप्शन के लिए जाएंगे <coughs> आई कौन है प्रथमेश ये बार मैं जब तक तो इसको ये नहीं बोलूंगी ना प्यारी मैम बोला है इसने जब तक तो ये बिल्कुल रुकेगा ही नहीं यहाँ पर हाय कार्तिक ओके बच्चा सो मैच दी गिवन कॉलम एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी गिवन कोड बिलो विटामिन ए जो है बेटा विटामिन ए यानी हमारे लिए पी है तो मैं यहां लिख देती हूं पी का तो so, पी विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा पी का कोड हो जाएगा टू ओके okay? और इसके अंदर क्या होगा पे, आ, पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट पी टू एफ गुड ना विटामिन बी तो हमारे लिए बेटा क्यू हो जाएगा क्यू है विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी कोड हो गया फाइव और इसकी वजह से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है ये मैंने आपको पढ़ाया भी है तो अगर इतना कोड भी आप मैच कर लोगे बच्चा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा तो so, देखो पी टू फाइव कहां है ये रहा लेकिन क्यू फाइव जी सिर्फ यहां है तो ऑप्शन हो जाएगा सी मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आप इन क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो आपका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा रहेगा गुड हाई स्वायाम चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं ओके okay, तो so, देखो हमारे पास में चार बीकर बेटा X Y Z एज यू नाउ अब इनको हम लोगों ने सनलाइट के अंदर रखा है ठीक है आपको यह बताना है कि कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी तो so, देखो बेटा वॉटर स्नेल एनिमल है एनिमल ब्रीथ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी फाइन यहां पर देखो हाइड्रिला क्टिक प्लांट है बेटा लेकिन देखिए प्लांट जो होते हैं वो तो करेंगे तो होगा क्या कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजर रहेगा या हम ऐसे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो रहेगा वो स्टडी रहेगा ठीक है नाउ यहां पर क्या है बेटा कि हमारे पास में आ, ब्लैक बैग है उसके अंदर हम लोगों ने बीकर को डाल दिया है कवर भी ओपेक कर दिया हाइड्रिला और वाटर स्नेल दोनों है अब यहां पर हाइड्रिला भी क्या करेगा बेटा रेस्पिरेशन करेगा और रेस्पिरेशन से क्या निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर सबसे ज्यादा हमारी सी वाला जो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा यहां मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूं प्यारे बच्चों कि दो चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग हमेशा और हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं वो दो चीजें ये है बच्चे पोटो और दूसरा है रेस्पिरेशन हमने हमेशा छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया है कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिप्लेस करते हैं या ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं है ना आराध्य पांच मिनट रुको बेटा मैं बताऊंगी है ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं बेटा ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं यह प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस जिसमें वो अपने लिए फूड बनाते हैं लेकिन पौधे या प्लांट जब भी रेस्पायर करेंगे बेटा जब भी उनका रेस्पिरेशन होता है तब वो ऑक्सीजन को ही लेते हैं और रिलीज क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसा नहीं है बच्चों की प्लांट हमको सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं नहीं दिन के समय जब सनलाइट होती है तो वो ऑक्सीजन को टेकअप सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं पर शाम के समय जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तब ऑक्सीजन को लेंगे इनहेल करेंगे या हम लोग बोलेंगे करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे तो ह्यूमन हो या प्लांट हो बेटा रेस्पिरेशन दोनों के लिए सेम है दोनों ही ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे क्लियर है तो इसमें कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हम लोगों ने सीड डिस्पोजल से लिया है तो so, आप क्या करोगे पहले ग्राफ देखो यहां पर रेडियस है और नंबर ऑफ सीडलिंग्स है है ना सो so, देखो 6 यहां पर रेडियस किलोमीटर में है बेटा और नंबर ऑफ सीडलिंग्स है जो बढ़ते चले जा रहे हैं गुड तो so, अब आपको मुझे बताना है कि कौन से मीडियम से सबसे दूर तक जो हमारे सीड है वो डिस्पर्स होते हैं और यहां पर वो डिस्पर्जन किसके थ्रू हो रहा है कौन सा हम बोलते हैं एजेंट है ठीक है तो देखो यहां पर सबसे दूर कहा कौन कौन गया है सबसे दूर तक बेटा गए हैं हमारा आ, स्पीशीज वन सबसे दूर कौन कौन गया बेटा स्पीशीज वन और स्पीशीज टू तो दैट मीन्स ये वो एजेंट लेके गए जो कि बहुत दूर दूर तक जा सकते थे नाउ अब देखो स्पीशीज वन और स्पीशीज टू क्या हो सकता है स्पीशीज वन बेटा हो सकती है विंड और स्पीशीज टू हो सकते हैं हमारे एनिमल और स्पीशीज थ्री जो है बेटा वो हमारा हो सकता है एक्सप्लोजन क्योंकि एक्सप्लोजन में सबसे पास कोई चीज गिरेगी ऐसे नहीं होगा कोई पॉड एक्सप्लोड हुआ और वो किलोमीटर तक चला जाएगा <laughs> मैं ये देख रही हूँ कि मैं रोज़ आपका मॉक टेस्ट लेकर आती हूँ मैं रोज़ मॉक टेस्ट करवाती हूँ हर एक क्वेश्चन को आपको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आई कैन सी मैडम को यहाँ पर खड़े हुए चुपचाप पाँच मिनट से ज़्यादा हो गए और सब फिर भी कमेंट करे चले जा रहे हैं एज इफ उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि मैडम यहाँ क्या पढ़ा रही है दे जस्ट कम टू दी क्लास सो दैट दे कैन शो कि उनको कितना आता है या वो दूसरों को बताए कि हमें कितना ज़्यादा अच्छी तरह से आता है मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारी मॉक टेस्ट चल रहा है या हमारी डाउट क्लास चल रही है क्योंकि एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है सारे बच्चे उसी को क्वेश्चन का आंसर देने लग जाते हैं राधर की मैम से पूछ लो नहीं नहीं हम बता देते हैं आपको कि उसका जवाब क्या होगा फाइन और उसके बाद में भी सारे बच्चे आंसर किए चले जा रहे हैं किए चले जा रहे हैं किए चले जा रहे हैं किसी को ध्यान ही नहीं है कि मैम ने यहाँ पर कौन सी क्लास में क्या पढ़ा दिया तो आप मुझे बताओ क्या मैं मॉक टेस्ट को बंद कर दू आप लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सारे बच्चे जो है वो ऑल ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके हैं एज इफ उनको सब कुछ आ गया है तो मैडम यहाँ पे क्वेश्चन में उनको क्या समझा रही है कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ एक भी बच्चे ने जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए उससे रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि वो लोग बिजी हैं अपने ही क्वेश्चंस के अंदर अपने ही आंसर देने के अंदर मतलब अपना एक छोटा सा वर्ल्ड बना के रखा हुआ है उसी वर्ल्ड के अंदर वो लोग बिजी है हम्म तो मैं, मैं बंद कर दू ना जिनको जरूरत ही नहीं है ये सब करने की एक जना क्वेश्चन पूछता है दूसरा जना उसको आंसर देता है फिर तीसरा जना उसको और आंसर देता है खत्म बात मैं इतनी देर से इसलिए खड़ी हूं मैं देखना चाह रही थी कि किस किस का ध्यान है कि मैडम कुछ पढ़ा भी रही है नहीं पढ़ा रही है मोस्टली पे जितने भी लोग अभी आए हैं फोर्टी फाइव कॉन्ग्रेंट व्यूवर्स है मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे तो उसमें से हो सकता है सिर्फ चार या पांच बच्चे हैं जिनका ध्यान हो कि मैम मॉक टेस्ट में क्या पढ़ा रही है बाकी इस मॉक टेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है वो अपना ही एक क्वेश्चन बैंक रोज लेकर आते हैं अपना क्वेश्चन बैंक लेकर आते हैं <coughs> है ना और उसके बाद में अपने क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे लोग उनको आंसर तो बेटा एक काम करो ना आपस में क्वेश्चन क्वेश्चन खेल लो तुम लोग क्वेश्चन बैंक आप, आपस में खेल लो तुम्हारे पास तो अपना खुद का मैसेंजर है तो तुमको ये प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों है ये क्वेश्चन बैंक को देखने के लिए या क्वेश्चन बैंक को खेलने के लिए ओनली फ्यू पीपल or फ्यू स्टूडेंट एक्चुअली सी here जिनको ये मतलब भी है कि वो क्या आंसर कर रहे हैं क्योंकि बाकी बच्चों के तो आंसर भी नहीं आते हैं आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चार क्वेश्चन और करवाऊंगी और मैं आप उसके आंसर नहीं बताने वाली हूँ आप लोग पढ़ो और आप लोग बताओ मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं किसी का ध्यान ही नहीं है तो आई डोंट थिंक डों कि ये जो मॉक टेस्ट है वो एनी इन एनी सेंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है बिकॉज आप लोगों का तो ध्यान ही नहीं है कि मैम क्या पढ़ा रही है हाँ जी आन एलिशा That's why I said few people, बेटा. as if like they they come to this class so that they can show कि हाँ देखो मुझे तो इतना सब कुछ आता है मैम जो पढ़ा रही है वो क्वेश्चन का तो पता ही नहीं है कि मैम क्या पढ़ा रही है छोड़ो मैम तो पढ़ाती रहती है क्या है जैसे क्वेश्चन तो ही तो करवा रही है क्या हो गया अगर इसमें से एक आधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ गया फिर हम कह देंगे मैडम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं हम तो बस बोलना ही जानते हैं ना तो हम लोग बोल देंगे कि मैडम ये तो हम आपने पढ़ाया ही नहीं था ये तो आपने बताया ही नहीं था कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है अब नाउ मुझे पे कोई और मैसेज नहीं चाहिए ठीक है मैं आपको बेटा रॉक के अंदर डाउट था मैंने कहा था मैं रॉक और सॉइल की आपकी क्लास लूंगी मुझे याद है मुझे आप लोगों से ज्यादा चिंता है और मुझे पता है कि मेरे को वो क्लास कब लेनी है फाइन अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है आप एक बार उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो खत्म प्रॉब्लम यह होती है कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है उसका क्वेश्चन ऊपर चला जाता है क्यों बाकी सब लोग इतनी सारी बातें कर रहे हो अभी भी देखो पूरी बातें बातें चल रही है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वही बच्चा सिर्फ एक बच्चा जिसको डाउट है वो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा और बाकी बच्चों को उसका आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है उसका आंसर सिर्फ मैं करूंगी ताकि मैं उसको ढंग से समझा सकूं कि वो क्या पूछना चाहता है मैं भी समझूं कि वो क्यों पूछ रहा है ये सब चीजें समझ तो में आ रही है मेरी बात अब और कोई चैटिंग नहीं है नहीं तो मैं आप सब लोगों को ब्लॉक कर दूंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास ले लूंगी यूट्यूब के ऊपर सो देूब पे कोई दूसरा बच्चा जिसे जरूरत हो वो ये क्लास देखे और उसे क्वेश्चन समझ में आए हो सकता है आप लोगों को जरूरत नहीं है बच्चे क्योंकि आप लोग पहले से बहुत सारी चीजें कर चुके हो ठीक है तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप लोग क्लास में मत आइए वही बच्चे क्लास में आए जिनको लगता है कि हाँ मैम हम लोग कुछ पढ़ेंगे यहां पर कुछ सीखेंगे यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है बेटा लेकिन उसको पूछने का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नौ ओके बच्चा तो जल्दी जल्दी ये वाले क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा आपसे पी क्यू में भी मैंने आपको करवाया था तो परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह के मेंबर्स पूछे जाते हैं तो परमानेंट मेंबर पांच है नॉन परमानेंट कितने हो गए हमारे पास में दस टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं बेटा पंद्रह तो यहाँ पर दस आंसर आ जाएगा इसका द शिप ऑफ द शिप ऑफ डेजर्ट इज कॉल्ड एज कैबल द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया रूलर ही वॉज रूलर ऑफ माइसूर यह हम लोगों ने मैसूर और एंग्लो वॉर के अंदर भी पढ़ा है गुड नाउ पानीनीज एंड द्रामर जिन्होंने संस्कृत जो है बेटा उसकी ग्रामर भी लिखी थी ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ओके okay. चलो नाउके नेम द रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी अबाउट कॉन्क्वेस्ट हुई एलाबाद पिलर इन क्रिप्शन प्रेजेंट एंड ऑफ समुद्र गुप्त नाउ विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस इन स्केच इज दच लोकेटेड इन द रेन शेडो रीजन तो समझो बच्चे रेन शेडो है क्या ये हमारा एक माउंटेन है इमेजिन करो ठीक है सिक्योरिटी काउंसिल बेटा यूएन का एक पार्ट है मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ाया है ठीक है सिक्योरिटी काउंसिल के पंद्रह मेंबर हैं जिसमें से पांच मेंबर परमानेंट है तो कई बार आपसे परमानेंट मेंबर के बारे में पूछा जाता है क्योंकि वो फिक्स है गुड तो पांच हैं उनके नाम याद कर लेना आप क्लास देख सकते हो उसमें आपको बिल्कुल अच्छी से मिल जाएगा और दस ऐसे है बेटा जो कि चेंज होते रहते हैं ओके नाउ ये हमारा बेटा हमारा एक माउंटेन है फाइन माउंटेन रेंज लगा लो आप अब जैसे ही यहां से बादल गया बेटा क्लाउड वो क्लाउड जाके इस माउंटेन से टकराता है और उसकी वजह से क्या होता है यहां पर बारिश होती है गुड अब उससे क्या होता है बेटा? माउंटेन के आगे वाला जो हिस्सा है वहां तो अच्छी बारिश हो गई है ना बहुत अच्छी बारिश हो गई तो वो वाला हिस्सा तो बहुत अच्छा फर्टाइल हो जाएगा लेकिन ये वाला जो हिस्सा है बेटा ये वाला यहां पर क्योंकि बारिश या क्लाउड पहुंचे नहीं है तो ये हिस्सा क्या हो जाता है बिना बारिश के रह जाता है फाइन यहां पर बारिश सबसे कम होती है तो हम इसे क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे रेन शेडो रीजन तो यहां पर रेन शेडो रीजन कौन सा है हमारा डी तो मार्क हम लोग क्या करेंगे डी आई आई होप आपको अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हाय अगम हाय अगम रिया बहुत लेट हो गए बेटा यस yes, बिल्कुल जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांच मेंबर होते हैं बेटा उनके पास में स्पेशल पावर होती है क्योंकि वो परमानेंट है तो उन्हीं की स्पेशल पावर को हम लोग वीटो पावर कहते हैं ये सब हम लोगों ने इंटरनेशनल uh, ऑर्गेनाइजेशन के समय पढ़ा था फाइन ओके okay. चलो बच्चे एक क्वेश्चन नीचे रह गया है उसको कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सिंपल है ये क्वेश्चन मैंने आपको आरएमएस uh, के पेपर में भी करवाया था बेटा तो इसको बहुत ध्यान से करना क्योंकि ये क्वेश्चन भी पीवाई क्यू से है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है from which of the following long, longitude the indian standard time is determined it is determined as 82.25 or 82.30 east ठीक है अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं या ग्रीनविच लाइन की बात करते हैं तो हम लगाते हैं +5.30 gst ये क्वेश्चन अभी इसी साल आरएमएस में भी आया था बेटा कि अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बजे हो है ना या ग्रीनविच जो लाइन है वहां पे 12 बजे हो बेटा तो इंडिया के अंदर टाइम क्या होगा तो आप हमेशा इसको प्लस +5.30 आवर्स आगे कर देना कौन सा कौन सा वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो बेटा नंबर लिख के दे दिया करो तो मुझे क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है चलो ओके okay. अभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में नाउ व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस अ टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल वो होता है बेटा जो कि फिक्स रहता है है ना तो यहां पर हम लोग देखते हैं फिक्स क्या-क्या है डे क्या -क्या बिल्कुल फिक्स है बेटा 100% क्यों क्योंकि वो 24 आवर्स का होता है एक सेकंड फिक्स होता है बेटा ओके श्लेषा आईल चेक दैट बेटा मैंने पढ़ लिया आपका डाउट uh, जो था बेटा मैं चेक कर लूंगी उसको है ना तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है ओके okay. ठीक है कृष्णा uh, मैं आपका क्वेश्चन बेटा ए सी क्वेश्चन के बाद में पढ़ा दूंगी ठीक है अभी पढ़ाती हूँ विटामिन कौन सा बनता है फाइन सो नाउ सेकेंड बेटा फिक्स होता है स्कूल पीरियड फिक्स होता है बेटा है ना वो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि कई स्कूल्स में 45 मिनट का पीरियड होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर पीरियड 45 मिनट के बाद ही होगा ऐसे नहीं होगा बेटा पहला पीरियड 30 मिनट का है दूसरा एक घंटे का है तीसरा जो है 55 मिनट का नहीं तो वो एक टाइम पीरियड जो है वो हम लोगों को बताता है गुड लेकिन टाइम ऑफ द फर्स्ट बेल इन दी स्कूल फिक्स नहीं है तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा डी ठीक है ओके okay. यहाँ पे आराध्या आपने पूछा कि ओलंपिक सिंबल के अंदर पांच रिंग्स हैं ठीक है ठीके? और ये पांच रिंग्स जो है बेटा वो कॉन्टिनेंट्स को बताती है ठीक है तो कॉन्टिनेंट्स में हम लोग बेटा किसको नहीं गिनते देखो अमेरिका इज देयर फाइंड नाउ एशिया इज देयर यूरोप इज देयर ऑस्ट्रेलिया इज देयर सॉरी नॉट अफ्रीका इज देयर और पांचवा जो रिंग है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं ओशनिया ना ओशनिया इट इंक्लूड बोथ ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज एंटार्क्टिका ठीक है वॉट इज प्राइम मैलेडियन प्राइम मैलेडियन जो है बेटा वो हमारा वो लैटीट्यूड है जहां से लैटिट्यूड सारे के सारे शुरू होते हैं हम उसे ग्रीन विच रे, रेखा या फिर ग्रीन विच लाइन भी बोलते हैं गुड ओके ये हो गया आपका आराध्या आपका क्वेश्चन को, भी मैंने दे दिया बेटा नाउ कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है बेटा दैट इज विटामिन विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है ठीक है क्लियर है यहां तक ओके आयुष अभी में मैं एक्सप्लेन करती हूं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर आई एल एक्सप्लेन फाइन चलो बच्चा अब देखो यहां पर कुछ हमारे पास में मटेरियल दिए हैं बेटा हम लोगों को उनको चूज करना है तो ये मटेरियल ओपेक है ओपेक का मतलब होता है जहां से लाइट आसपास में नहीं जाती है फाइन ओके नाउ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी दो क्वालिटीज है फ्लेक्सिबल है नॉन फ्लेक्सिबल है और सेम एज विद इलेक्ट्रिसिटी फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल गुड ओके तो कंडक्टर क्या हो सकता है सारे मेटल्स सारे एलॉय दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा मेटल कौन सा है नायलॉन मेटल नहीं है बेटा तो ए तो हो नहीं सकता तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कॉपर वायर स्टील का स्पून ओके क्योंकि वो हार्ड है यानी नॉन फ्लेक्सिबल है नाउ नॉन कंडक्टर रबड़ नॉन कंडक्टर होता है बेटा और नॉट फ्लेक्सिबल स्पेक्टिकल लेंसेज जिनके चश्मे बनते हैं नहीं विटामिन डी बेटा हम लोग सन से नहीं लेते हैं ठीक है सन रेज जो है बच्चे वो जब हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है तो विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी के अंदर तो हम ये बोलते हैं धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा नहीं हमें ये कहना चाहिए धूप में बैठो विटामिन डी बनेगा ओके बेटा सेम क्वेश्चन हो जाएगा वंश विच विटामिन वी वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ विटामिन फ्रॉम सन बट ड्यू टू इट्स यूवी रेज रेज और सन हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है रश्मि ओके बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपको आ, कल या परसों की क्लास में करवाऊंगी जो मेरे को याद है मुझे आपको लॉन्गेस्ट रिवर बतानी थी लॉन्गेस्ट रिवर शायद मैंने बताई भी थी आपको नाइन है शॉर्टेस्ट रिवर मैंने आपको बतानी थी हाँ तो नित्या का भी यही सेम क्वेश्चन है बेटा तो वो मैं आपको आ, कल की क्लास के अंदर श्योरली बता दूंगी हंड्रेड परसेंट हाँ ईशान योर मैसेज इज विजिबल बेटा हाँ बताओ क्या डाउट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवन कोई मुझे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अच्छा सारी विटामिन्स की डिजीज बता दू तुमको ठीक है अभी बता देती हूँ अभी अभी लिखवा देती हूँ ओके okay. चलो पहले फोर्टीन पे देख लेती हूँ क्योंकि एक बच्चा मुझे पूछ रहा था ये वाला है सिंपल सिंपल है बेटा देखो इसका समझो मैं पहले एक पहाड़ बना देती हूँ ये मेरा एक माउंटेन है फाइन अब इस माउंटेन पर ये क्लाउड गया बेटा तो क्लाउड माउंटेन से टकराएगा हमको पता है रेन कैसे होती है पता है ना रेन कैसे होती है बेटा जो भी ड्रॉपलेट्स होती है जो हमारे क्लाउड के अंदर है वो कंडेंस होंगी और इसकी वजह से यहां पर बारिश हो जाएगी तो माउंटेन के ये वाला हिस्सा जो है बेटा वहां पर तो रेन हो रही है लेकिन इधर वाला जो हिस्सा है यानी मैं इसको मार्क कर देती हूं बेटा बी यहां पर रेन नहीं होगी क्योंकि सारी रेन कहा हो गई आगे तो इस बी वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं रेन शेडो रीजन क्या बोलेंगे रेन शेडो रीजन फाइन अब देखो यहां पर जब हमें माउंटेन देखते हैं तो डी इज रेन शैडो रीजन बस ओके जनाहन हाय <laughs> जनाहन आई एम सो सॉरी मैं जो भी नाम लॉग इन होता है बेटा उसी से जवाब देती हूँ इसलिए अरे कौस्तु मैंने बता तो दिया कि वो मैं कल बता दूंगी ठीक है रिवर के बारे में पढ़ा दूंगी बेटा आपको हाँ बच्चे अलग अलग टाइम जोन होते हैं अलग अलग टाइम जोन है बिकॉज नेचुरल सी बात है बेटा कि अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो अर्थ अपने अक्सेस पे भी घूम रही है है ना और हम बोलते हैं उसी की वजह से दिन और रात होते हैं तो इमेजिन करो कि अगर एक जगह जो हम वैसे बोलते हैं कि अर्थ घूम रही है देखो इस तरह से देखो आप है ना ये हमारी अर्थ है बेटा ओके okay? और मैं यहां पर एक सूरज बना देती हूं फाइन तो अब रोशनी कहा आएगी इस रीजन के ऊपर और ब्लैकनेस कहा आएगी यहां पर अब मैं यहां पर बोलू कि यहां पर तो आठ बज रहे हैं गुड और आप बोलोगे यहां पर मेरे यहां पे तो दिन है और दूसरा क्या बोलेगा मेरे पास में तो रात है तो टाइम जोन डिफरेंट हो गया ना बेटा यहां टाइम जोन डिफरेंट हुआ या नहीं हुआ इसी वजह से टाइम जोन डिफरेंट है ठीक है ऑप्शन hmm, देखना पड़ेगा उसके लिए तो मतलब हाँ, डीपर रेन नहीं होगी तो हम उसे बोलते हैं रेन शेडो एरिया क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लू मैं ओके okay. ओके okay, ये क्वेश्चन अच्छे है बेटा तो मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगी तीन क्वेश्चन ही हम लोग आज और कर पाएंगे ओके okay, बच्चा तो यहां पर ना कुछ बच्चे हैं प्यारे प्यारे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं बच्चों वेरियस अलग अलग प्लांट्स को लेकर तो रवि ने क्या बोला बेटा तूनों बहुत ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रवि ने ये कहा है कि बनाना प्लांट हैज अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम ये हम लोगों ने पढ़ा है ही ने बोला है स्ट्रॉबेरी इज अ क्लाइंबर प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट सबीना ने बोला है मेज वीट बार्ले आर प्लांट विथ फाइब्रस रूट और प्रीति ने कहा है स्टेम लीव बर्ड एंड फ्लार आर इंक्लूडेड इन दूट सिस्टम ऑफ द्लांट तो आपको ये बताना है इनकरेक्ट किसका है तो सबसे पहला वाला जो था बेटा उसका स्टेटमेंट गलत है बिक हमारा जो बनाना है दो उसका जो स्टेम होता है बेटा वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है ग्रीन होता है पर वो हर्ब नहीं है Oho, अरे दिव्यांश उसके लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी बेटा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समझाने के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी वो मैं आपको बीच क्लास के अंदर नहीं समझा सकती ओके बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखे ओके रोहित कैन नॉट बी क्लियरली सी वेन ही स्टैंड बिहाइंड पार्टीशन एज शोन बिलो देखो आपको दिख रहा है यहां पे वट अकॉर्डिंग टू यू कुड बी द रीजन दार्टिशन कैन कैन रिफ्लेक्ट लाइट नहीं पार्टिशन इज मेड अप ऑफ फ्रोस्टेड ग्लास बिल्कुल बेटर जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट तो वो ट्रांसल्यूसेंट एज ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते लाइक अ ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसके पीछे ही जो चीजें होती है वो हमें कुछ कुछ बहुत थोड़ी सी जगह तक दिखाई देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट

Vitamin A. खत्म ओके पालिन, आप मुझे ऑप्शन बताओ बेटा बिकॉज आई थिंक उसका जो आंसर है वो मैंगो होना चाहिए वो बिल्कुल अलग है बेटा उसका कोई विटामिन से लेना देना नहीं है <laughs> यहां पे वापस देखो बच्चा विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी बेरी बेरी विटामिन सी स्कर्वी विटामिन डी रिकेट्स एंड विटामिन के ब्लीडिंग डायस्टेसिस इन डिजीज से क्या होता है सिंपल नाइट ब्लाइंडनेस रात को दिखाई नहीं देगा रात को मतलब डिम लाइट में दिखाई नहीं देता बेरी बेरी इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो है बेटा ये उसे अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम की डिस्किस स्कर्वी हमारे गम्स से जुड़ी हुई डिजीज है जिसमें गम्स से खून आना शुरू हो जाता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है बेटा उसे रिकेट्स बोलते हैं विटामिन के जो है बेटा वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो जब विटामिन के की कमी होती है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है और उसे बोलते हैं ब्लीडिंग डायस्टेसिस विटामिन ई की कमी से बेटा कोई रोग नहीं होता कोई डिजीज नहीं होती इसलिए नहीं लिखवाया है ठीक है मैं साइड में हो जाती हूँ अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास के अंदर करेंगे हाँ जी हेलो एवरीवन हाय हाय हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून अच्छा गुड इवनिंग भी हो गई है हाँ गुड इवनिंग एंड वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल हाय हेलो एवरीवन हाय रिया हेलो दिव्यांश हेलो टू ऑल माय लवली क्यूट 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 स्टूडेंट्स हेलो हाय विजय हाय ईशान्या हेलो रेनू ओके okay, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर ले अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो जल्दी से क्लास को हेलो टू ऑल हेलो श्रुति हाय एलिशा हाय जियान दिव्यांश ओके तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को हेलो बोल दिया है सभी को जय हिंद सभी को हाय हेलो हाँ, हाँ, गुड इवनिंग कौस्तुभ शीतल वर्मा पलिन पांडे ओके हाय नो नेम ओके okay जी चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास के साथ हेलो मानवी हाय बेटा मानवीट गुड गुड इवनिंग चलो मैम आपको पता है आज मेरी तबीयत कल से भी ज्यादा खराब हो गई बेटा टेक केयर बच्चा रिया ध्यान रखो चलो शुरू करते हैं बच्चे क्लास के साथ फटाफट से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है टेस्ट को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहला अपने पास पैसेज है तो मैं पैसेज रीड आउट करती फिर क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो लेट्स सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जो भी स्टूडेंट्स न्यू है है ना हाँ बेटा चार बजे अच्छा बजे से थोड़ा लेट हो गया ज्योति मैम की क्लास चल रही थी ना दैट्स वाई अच्छा बेटा सुनो सभी बच्चे फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे ठीक है चलिए करते हैं शुरू हेलो दीपाली सुनील तो लाइक दिस वन इवनिंग आई वेंट टू सी एक शाम की बात है कि मैं सर्कस देखने गई थी या गया था देर वॉज अ वेरी बिग टेंट एन एंड एम टी रिंग इन द मिडल तो बहुत बड़ा सा टेंट था और एक एम टी रिंग था मिडल में द शो बिगान टू सिक्स पी एम नहीं एट सिक्स तो शो शुरू हुआ छे बजे एंड एक्रोबैट केम देर एक वहां पर आया जो क्या करते हैं जो की बहुत सारी uh, छलांगे लगाते हैं तो है right? सीढ़ी पे खड़ी हो गई थ्री कप्स एंड सॉसर्स इन टू द एयर बट नन ऑफ दैम फेल डाउन तो उन्होंने क्या कर जगल करना शुरू करा सॉसर्स को बर्तनी होता है और कप्स को ठीक है बट उनमें से कुछ भी नीचे नहीं गिरा हाँ, बिल्कुल अर्जुन आई आई एम एबल टू यू और देखिए अ जोकर ऑल्सो डिड द सेम एंड मेड द पीपल लाफ एट एट जोक्स है ना तो जोकर ने भी क्या करा जोकर ने भी एग्जैक्टली exactly वही चीज करी और लोगों को हंसाया अपने जोक्स पे और कर देती हूँ जूम थोड़ा इसको नहीं दिख रहा तो और देखिए फिर क्या हो रहा है Then came seven elephants. फिर सात एलिफेंट्स आए और उनमें से एक ने क्या करा टी प्रिपेयर करी और उसने हाई प्रथमेश एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है और उसने फिर क्या करा उसने वो अपने फेलो एलिफेंट को अपने साथी को वो टी दी और वो बहुत ही वंडरफुल सा सीन था और उसको उसमें आग जला दी ही लायन जम्प थ्रू इट और फिर उसने लायन को उसमें से जम्प करवाया आई enjoyed द सर्कस वेरी much. मैंने circus को बहुत ज्यादा enjoy करा So this was the पैसेज बेटा बहुत ही इजी पैसेज है फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डे भी दिया है चलो देखते हैं बेटा कि क्या होगा पहले का सही आंसर वन डैश आई वेंट टू सी अ सर्कस बिल्कुल सही वन इवनिंग आई वेंट टू सी अ सर्कस सेकेंड क्वेश्चन देखिए द सर्कस विज्ञान डैश डैश एट डैश पी बताइए कितने बजे हाँ कितने बजे बेटा सर्कस कब आएगा एक दो दिन में आ जाएगा बेटा कितने बजे सर्कस शुरू हुआ एक दो दिन में आ जाएगा जब सबका आएगा तब आपका भी आ जाएगा डोंट वरी बता देंगे हम यहाँ पे ठीक है चलिए बताइए कितने बजे शुरू हुआ सर्कस सेकंड का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी छ बजे शुरू हुआ था वेरी नाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन शी थ्रू कप्स एंड सोस इन टू फेंके उसने कप्स एंड सॉसर्स थर्ड क्वेश्चन का भी जल्दी से आंसर दे रहा है जल्दी से सुपर सोनिक स्पीड में एवरी वन हां जी तो थर्ड क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हवा में फेंके उसने सॉसर्स लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन उसी पेज पे था चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका इस तरीके से है फोर्थ क्वेश्चन तो दिया ही नहीं भाई यहाँ पे इस पेज में नेक्स्ट पेज में देखते हैं मुझे लगता है फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे कट हो गया कोई दिक्कत नहीं है फोर्थ क्वेश्चन अब कट हो गया तो हो गया कोई दिक्कत नहीं चलो फिफ्थ को देखते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए वन ऑफ देम प्रिपेयर्ड डैश एंड टू हिज फेलो एलिफेंट्स तो एक एलिफेंट ने क्या करी, क्या क्या करी करी प्रिपेयर थी और क्या सर्व फिर उसने अपने फेलो एलिफेंट्स को सर्व करा था जल्दी से बताओ सो वन ऑफ दैम हाँ एयर सही आंसर होगा बिल्कुल जय कावड़े वेरी नाइस एवरी वन बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट्स तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज टी टी प्रिपेयर करी थी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल आ, अर्जुन बिल्कुल कर सकते हैं है ना चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिए हो गया हो गया चलो गुड हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा आई एम tired. आई के नॉट प्ले मैं टायर्ड हूं इसलिए मैं नहीं खेल सकता सो आई एम टायर्ड आपका ये वाला पार्ट है अब इसका रिजल्ट क्या आया जो भी फर्स्ट क्लॉज है उसका रिजल्ट आया है कि मैं खेल नहीं सकता और रिजल्ट के लिए जो आप कंजंक्शन यूज करते हैं वो होता है सो so, क्या होता है हाय आराध्य गुप्ता हेलो तो सो so, कंजंक्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा

हाँ, का क्या सही आंसर होगा सिक्स का डी है सेवंथ का बताओ सेवंथ का सेवंथ का ए बोल रहे हैं सेवंथ का ए सेवंथ का ए एम करो स्क्रीन को और देखो अगर बिफोर लिख देंगे ना देखो यहाँ पे बिफोर नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिफोर नहीं आना चाहिए देखो अगर यहाँ पे अगर आप बिफोर यूज कर दोगे तो देखो ध्यान से देखना बेटा दो एक्शन हो जाते हैं एक होता है उसका चले जाना एक होता है मेरा आना सबसे पुराना एक्शन क्या हो गया है भैया सबसे पुराना एक्शन है कि वो निकल गया उसके बाद में मैं आया पास्ट में तो जो पुराना एक्शन होता है वो लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ पे आना चाहिए था ही हैड गॉन बिफोर आई केम तब तो आपका सेंटेंस सही होता और बिफोर का यूज बिल्कुल सही आ जाता यहाँ यहां पर बिफोर तो नहीं आएगा बिफोर आया होता तो फिर आपको एक आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता बिफोर से पहले वाला क्लॉज राइट right? तो यहां पे देखिए क्या हो सकता है ही वेंट अवे वो चला गया और मैं आया एंड आई केम राइट ही वेंट आई एंड आई केम तो अगर आपको इंसिडेंट बताना है सारा कि उसके जाने के बाद मैं आ गया या उस वो गया और मैं आया वो गया और मैं आया तो आप बोल सकते हो ही वेंट अवे बट एंड केम इस तरीके से लिख सकते हो आप ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहां पे बट भी सही बैठ सकता है बट भी सही बैठ सकता है तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है बट भी लगा सकते हो कि वो तो निकल गया पर मैं आया राइट शी वेंट ही वेंट अवे बट आई केम राइट तो यहाँ पे एंड भी सही बैठ रहा है बट भी ठीक बैठ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा ट्रीट हार्ट डिजीजेस तो हार्ट डिजीजेस ट्रीट करने वाले को हा एंड भी लिख सकते हो बिल्कुल सही बट भी, भी लिख सकते हो बट भी, हो, कि भी चलेगा कि वो गया और मैं पर मैं आ गया ठीक है यूर करेक्ट वेरी नाइस चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स वन हु ट्रीट हार्ट डिजीजेस हार्ट डिजीजेस ट्रीट करने वाले को क्या बोलते हैं अपन हम बोलते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट ऑप्शन नंबर बी कार्डियोलॉजिस्ट ठीक है कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अगला देखो स्पेस ट्रैवलर स्पेस में ट्रेवल करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है नाइन्थ क्वेश्चन का सुपरसोनिक स्पीड पे आंसर देना है आप सभी को चलो बताओ जी सभी स्टूडेंट्स गुड एवरी वन गुड गुड हां जी वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर नाइन्थ 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 स्पेस ट्रैवलर को क्या बोलते हैं देखो पायलट होगा नहीं टेक्नोक्राट भी नहीं है भाई एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉमर बताओ जल्दी से एस्ट्रोनॉट वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एस्ट्रोनॉमर क्या होता है जो स्पेस स्टडी करता है अर्थ पे रहकर ही पर एस्ट्रोनॉट होता है जो कि स्पेस में जाता है

तो इवैक्यू ही होगा रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जहां पे वॉर वगैरह चल रहा होता है वहां से जो लोग निकाल दिए जाते हैं जिनको अपनी कंट्री से खाली कर दिया जाता है है ना तो उन्हें हम रेफ्यूजी बोलते हैं कहीं के राइट तो बॉम्बिंग जोन से जिन्हें इवैक्यूएट करा जिन्हें विड्रॉ करा उन्हें इवैक्यू ही बोला जाएगा ऑल चलो नेक्स्ट वर्ड देखो फेमस का आपको बताना है एंटोनिम फेमस का मतलब होता है कि कोई जो अपने अच्छे कामों के लिए फेमस हो प्रसिद्ध हो प्रसिद्ध हो उसे बोला जाता है फेमस और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है भैया क्या बताना है आपको नोटोरियस आपका सही आंसर हो जाएगा मतलब जो अपने गलत कामों के लिए फेमस होता है बहुत ही सा पर्सन जो कुख्यात हो फेमस का मतलब होता है कि बहुत अच्छे कामों के लिए आप जाने आप नोन हो बहुत अच्छे कामों के लिए और नोटोरियस का मतलब होता है कि आप बहुत कुख्यात हो और राइट चलिए बफरिंग अब नहीं हो रही है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कोर्स का बताना है हमें तो कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा क्या होता है कोर्स का मतलब खुरदुरा गुस्सा मुझे नहीं बहुत रेयर केस में आता है गुस्सा आता तो है मुझे आता है वैसे रेयर केस में आता है पर आता है तो गंदा वाला आता है फिर okay, ओके तो कोर्स मतलब खुड़दुरा और कोर्स का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा फाइन फाइन एकदम सॉफ्ट सा fine सी चीज तो ये आपका सिनोनिम ऑपोजिट हो जाएगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इनक्योरेबल का एंटोनिम बताना है बनेगा क्योरेबल इनक्योरेबल मतलब जिसे सही नहीं करा जा सकता और क्योरेबल मतलब जिसे ठीक करा जाता है ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन Humane का बताना है सिनोनिम ह्यूमेन ह्यूमन बींस कैसे होते हैं भैया काइंड होते हैं बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ देखिए हमें कंसेंट का बताना है कंसेंट का मतलब क्या होता है सहमति तो इसका सिनोनिम बताएंगे तो फिर अग्रीमेंट हो जाएगा प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत हाथों तो हाथ जो रैपिडली इंस्टेंटली आपने कोई चीज करी होती है दैट इज प्रॉम्प्ट ओके चलिए अब बताइए कितने सही रहे सबके मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं ठीक है क्या दिया है प्लीज गिव दैम डैश बुक तो उन्हें उनकी बुक दे दो तो देम का पोजेशन किससे लगता है देयर से बनता है तो देयर आ जाएगा वट आर यू गोइंग टू डैश सॉरी वट आर यू गोइंग टू डैश टू पार्टी तो वट आर यू गोइंग टू वेयर टू दार्टी वेयर नहीं आएगा वर नहीं आ सकता वेयर नहीं आएगा डब्ल्यू आर वेयर क्या पहनने वाले हो पार्टी में फिफ्टीन ऑन फिफ्टीन अरे वाह थर्टीन ऑन फिफ्टीन वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे एवरी वन वेरी गुड दिव्यांश वेरी गुड विकास प्रथमेश अर्नब अंशिका नूरेन वेरी नाइस वेरी नाइस शीतल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन अब आपको एक्टिव टू पैसिव करना है बहुत इजी होता है एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस देखिए

अ स्नेक विद अ स्टिक वॉज किल्ड तो क्या स्नेक और स्टिक्स दोनों को किल करा है क्या नहीं स्टिक से किल करा है तो ये भी हट जाएगा स्नेक और स्टिक दोनों एक साथ वर्ब से पहले नहीं आ सकते क्योंकि फिर वो सेंस दे देगा कि स्नेक को और स्टिक को किल करा नहीं सिर्फ स्नेक को किल करा ठीक है और स्नेक इस किल नहीं आ सकता ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर नरेशन कराया ना आपको मेघा मैम ने बेटा नरेशन आपको पढ़ा तो दिया है ने क्लासेस देखो आपको मिल जाएगी आप में अगर मुझे करवा मैं आप चाहते हो मैं कराऊं दोबारा तो मैं अभी करवाती हूँ प्लान करती हूँ एक दो दिन में ना वैसे तो करवा दिया है मैम ने तुम्हे चलो और देखो अब हमें वापस क्या करना है ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी को सिंपल में बहुत इजी होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी टू सिंपल देखो क्या दिया हुआ है इफ ओनली आई वर यंग अगेन तो काश मैं काश मैं दोबारा जवान हो जाती तो सिंपल से सेंस में आपको बोलना है कि मैं जवान होती ठीक है बस इतना ही आई विश अब ये विश है ना तो सिंपली आप आई विश लिख दो आई विश आई विश इफ ओनली आई was यंग अगेन तो ये तो वही एक्सक्लेमेशन ही हो गया आई विश आई वर यंग अगेन आई विश आई वॉज अगेन भी नहीं होता आप विश कर रहे हो तो आई विश आई वर यंग अगेन आएगा क्यों क्योंकि आई विश वी विश इमेजिनरी सिचुएशन होती है उसके बाद हमेशा वर वर्ब का यूज होता है भले ही हमारा जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो ठीक है अच्छा ऑल राइट कौस्त ओके एक बार और करा दो मैं करा दूंगी दोबारा कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं है दोबारा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी तो हम फ्री हैं उस टाइम तो आर एम एस का एग्जाम था कोई बात नहीं विल कवर नरेशन ठीक है इफ़ यू नॉन्ट मी टू कवर वॉइस वॉइस विल कवर एज वेल बट वॉइस तो मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें तो क्या टेंशन है ना? Next next है ना चलिए आगे मूव करें लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर क्वेश्चन देखिए दे मेड हेम अंग अब इसको वापस आपको करना है पैसिव वॉइस में तो दे मेड हिम अ किंग अब ध्यान से देखिए मेड अब मेड क्या है वापस सेकेंड फॉर्म में है तो चाहिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा भैया और मेड आ जाएगा वॉज मेड देखते हैं कहाँ पे आया है हमारा हैज बीन मेड बन नहीं सकता हैव बीन बीन मेड मेड बन नहीं सकता. Has been made, नहीं सकता हैज आ सकता ऑप्शन ए की हमारा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओके कृषाक के के वाले सबका गुस्सा ऐसा है क्या चलो जल्दी से बताओ समझ में आया? Good vans, good norain, very nice, very good. देखो इतनी सी एक वर्ब देखते ही हम पहचान गए कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी सिर्फ बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक बार वॉइस नरेशन अगर हमने पढ़ लिया एक बार कॉन्सेप्ट हमने ये सारे कवर कर लिए वॉइस नरेशन के तो इनके क्वेश्चंस इतनी इजी होते हैं और हमें फ्री के मार्क्स फ्री के मार्क्स देखे जाते हैं है ना जैसे 26 जनवरी पे लड्डू बटते हैं ना ये लोची लड्डू 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 तो बहुत ये हमारे लिए लड्डू ही है ओके पेपर का टाइम कब से कब कौन सा पेपर बेटा ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं मॉक टेस्ट तो थ्री थर्टी स्टार्ट होते हैं क्लास सिक्स के लिए ऑल राइट चलिए आगे मूव करते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ओके बाइक वांट अ न्यू आई बहुत इजी है भाई आई वांट अ न्यू बाइक आई वांट अ न्यू बाइक बेसिक सी बात है आप सभी इतने इंटेलिजेंट है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आई डी से शुरू होगा आई वांट डी से एक ही शुरू हो रहा है खत्म जी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी वेरी नाइस बेटा ट्वेंटी ट्वेंटी वाले नाइनटीन वाले बहुत अच्छे आई एम नॉट क्यूट यार क्यूट तो आप सभी बच्चे हैं हाँ क्यूट तो आप सभी हैं अच्छा फ्रीक्वेंटली तो नहीं आता मुझे गुस्सा चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज लाइक द क्लास एंड प्लीज शेयर द क्लास और साथ ही साथ ऑल द न्यू स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम ओके अब देखिए लास्ट कुछ क्वेश्चंस बच गए हमारे लास्ट क्वेश्चन क्या बचे हैं डिनर सैली हैड चिकन फॉर तो क्या करा सैली ने खाया सब्जेक्ट और वर्ब साली हैड हैड वॉट चिकन कब फॉर डिनर तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी मेगल हैड बैक सोर अ तो मेगल हैड ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब हो गया शुरुआत ए से होगी क्या था अ सोर बैक ठीक है सो डी देन सी एंड बी तो ऑप्शन नंबर सी कैसे नहीं देखा है कैसे नहीं देखा ईशान्या जूम क्लासेस में नहीं देखा मैंने तुम सभी को आई रिमेंबर यू आई रिमेंबर योर फेस हाँ मैंने आप सभी को देखा है जूम मीटिंग कितनी बार तो की है हम सबने यू ऑल हैव नेवर सीन द क्लासरूम और स्टूडियो कोई बात नहीं वी आर गोइंग टू शो इट टू यू वन डे डोंट वरी जब हमारी लास्ट क्लास होगी मैराथन की तो आपको सब दिखाया जाएगा <laughs> अरे क्यों उतर हो मेरे से स्पेक्स यार। <laughs> अच्छा <laughs> थैंक यू सो मच अर्जुन थैंक यू सो मच चलिए आगे मूव करते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए बेटा ब्रोक द ग्लास अब आपको क्वेश्चन टैग फिल करना है ना ब्रोक ब्रोक इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म और पास में जो वर्ब होती है डिड राइट तो क्वेश्चन टैग किस से बनेगा डेड से बनेगा तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा डिंट ही डिंट ही ओके <laughs> ियन no, चलो देखो तो डिंट ही डेंट ही आ जाएगा वो है नेगेटिव तो अब जब क्वेश्चन टैग बनेगा वो स्टूडेंट पॉजिटिव बनने वाला है राइट right? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉज इट है ना तो क्या हेल्पिंग वो दीवी है वो लास्ट में आ जाएगी और जो सब्जेक्ट लिखा हुआ था वो तो ऑलरेडी है हमारे पास ये संजय सर चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B. <laughs> they got to know that you have entered the class. जी संजय सर आ गए बिल्कुल आ गए प्लीज क्या ईशान्या क्या ईशान्या बेटा चलिए स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं दैट इज ऑल फॉर टुडे कल मिलेंगे हम एक और मॉक टेस्ट के साथ टिल then take care, bye bye एंड जय हिंद ओके गुड इवनिंग क्लास वेलकम ऑल टू बाल सैनिक मिलिट्री नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल जॉय टू ऑल स्टूडेंट्स और नो कौशल डोंट स्पैम तो वहां पे टच मत करो हाथ टच हो रहा वहां उस तरफ ओके तो बेटा यहां पे आपकी मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट होगा जो कि लास्ट फाइनल पोर्शन है आपका फटाफट से बस क्वेश्चन ही पाते हैं क्या कह रहा है बेटा द एचसीवेंटी फाइव एंड अब प्रथमे पढ़ाई कर लो गूगल में उतार दूंगा तुम्हारा किसी दिन गूगल उतारना पढ़ लो बेटा ठीक है <coughs> चलिए बेटा ऐसे फाइंड करना है 25 और किसका 60 का तो सबसे बड़ी वैल्यू जो 25 और 60 के अंदर कॉमन आती है सिंपल सा तरीका बेटा कौन सी आती है फाइव आती है आप चाहो तो इसके फैक्टर्स करके देख लो डोंट डू इट फाइव से फाइव टाइम फाइव से वन टाइम सिक्सटी की बात करूंगा बेटा टू से कितनी बार जाता है तीस बार गया दो से फिर गया दो से पंद्रह बार फिर तीन से गया पांच बार पांच से एक बार तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन आता है वो क्या होता है बेटा फाइव एंड फाइव ठीक है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा फाइव फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज लेंथ इज थर्टी फाइव एक है बेटा जिसकी बाउंड्री आपको दे रखी है 35. तो स्क्वायर की सारी बाउंड्रीज क्या होती है बेटा सेम होती है तो इसका एरिया फाइंड करना है एरिया का फॉर्मूलास थर्टी फाइव का स्क्वायर और थर्टी फाइव का स्क्वायर क्या होता है कितना होता है वन टू टू फाइव किसी ने दोबारा बोला ना किसी ने स्पेक्स का तो देखना पढ़ाई कर लो ना तो बेटा थर्टी फाइव का आपको स्क्वायर करना है थर्टी फाइव का स्क्वायर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वन टू टू फाइव तो सेकंड का आंसर कितना आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी वन टू टू फाइव चलिए थर्ड फाइंड द एवरेज ऑफ बेटा आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उनका एवरेज फाइंड करना है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एवरेज क्या होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स कितनी डिजिट है बेटा एक दो तीन चार पांच पांच डिजिट है पांच से डिवाइड कर देंगे ऊपर क्या आएगा सबका सम आ जाएगा तो 24 फोर प्लस नाइनटीन प्लस जीरो प्लस इलेवन प्लस थर्टी अब किसी के दिमाग में आ रहा है जीरो कोई वैल्यू नहीं है क्या सर मैं जीरो को स्किप कर सकता हूं नहीं आपके पास पांच डिजिट है जिसके अंदर एक जीरो है ठीक है ना और क्लास और बच्चे क्लास को लाइक -फड़ से सब्सक्राइब करते जाइए फटाफट से ऐड करते हैं बेटा ये होगा बीस और तीस पचास और ये साठ साठ के बाद सत्तर अस्सी नब्बे ओके एटीन बेटा ये हंड्रेड एंड एटीन नहीं है चेंज कर लेना ऑप्शन ऑप्शन चेंज कर लेना ऑप्शन आपके तो आंसर कितना आएगा एटीन सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स बेटा ओके तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी एटीन बिल्कुल सही किसी ने नहीं दिया थी देर तक सिंप्लीफाई करना बेटा आ जाओ भाई बॉर्ड मास क्या कहता है सर डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई uh, होता है फिर एड होता, होता है सब्सट्रैक्ट so, होता है तो सबसे पहले इंटू करो इन दोनों को इंटू कर दो और इन दोनों को इंटू कर दो तो so, एट सिक्स कितना होता है बेटा फोर्टी एट होता है आंसर हमारा फोर्टी एट से ज्यादा आएगा देखिए सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आंसर फोर्टी एट से ज्यादा आएगा क्योंकि 48 में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है तो बेटा एक ही ऑप्शन है क्योंकि इन दोनों ऑप्शन नंबर ए आएगा फोर्थ तो का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फिफ्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए फटाफट से क्वेश्चन समझा दे रहा हूं कह रहा है, बेटा, कह रहा है, 2400 बेटा, कह रहा है जो हमारे पास एक ग्राउंड है ना उसका एरिया कितना टू फोर जीरो जीरो फ्रैक्शन दे रखा है कह रहा है तीन में से एक हिस्सा उसमें हम क्या लगाते हैं बेटा वीट लगाते हैं ठीक है ना बेटा आउट ऑफ थ्री एक पार्ट के अंदर आप क्या लगाते हो वीट तो बचा कितना बेटा तीन में से एक पार्ट में वीट लगाते हो तो तीन में से दो पार्ट के अंदर आप क्या लगाते हो ग्राम लगाते हो तो आपसे क्या पूछा है कैलकुलेट द एरिया बींग यूज फॉर ग्रोइंग ग्राम तो बेटा ग्राम लगाने के लिए आप कितना एरिया यूज करते हो तो टोटल का कितना टू बाई थ्री तो टू फोर डबल जीरो का सर टू बाई थ्री पार्ट थ्री से वन टाइम थ्री से एट टाइम एट हंड्रेड इंटू टू कितना होता है बेटा सिक्सटीन हंड्रेड आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्सटीन हंड्रेड तो फ्रैक्शन कभी भी आए तो फ्रैक्शन से डरना नहीं है बेटा नीचे फ्रैक्शन है हमेशा टोटल होता है सर तो तीन में से एक हिस्सा तो बचा कितना तीन में से दो हिस्सा ओके ओके बेटा आपका गूगल होम नेम है गुड चलिए फिफ्थ हो गया सिक्स भी आ गया है नहीं सिक्स नेक्स्ट पेज पे आइए भाई एड करना है पहला क्वेश्चन बेटा टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके होगा जितना हो सके मॉक टेस्ट दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो टाइमर सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो अब बेटा देखो ये तीनों सेम है ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता ना इसको आसानी से कर लो फाइव फोर या ट्वेंटी ट्वेंटी वन बाई फोर तो बेटा देखो बेस तीनों में सेम है तो 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 कितना 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 आएगा 4, और 21 plus 21 plus 21, हो जाएगा बेटा बेटा मतलब जब मैंने पूरे को सॉल्व किया यहां तक आया तो तो आप लिखोगे सिक्सटी थ्री अपॉन फोर माइनस क्या कर दोगे फाइव जहां कुछ नहीं होता भगवान होता है एल्सियम लोग कितना फोर सिक्सटी थ्री माइनस क्या करोगे बेटा ट्वेंटी आंसर आएगा हमारे पास फोर्टी थ्री अपॉन फोर से कितनी बार सर चार से दस बार चालीस तीन रिमाइंडर बचेगा नीचे आएगा फोर आएगा ऑप्शन नंबर ए सेवेंथ कह रहा है भाई स्ट्रेट एंगल थ्री बाई फोर फाइंड करो बेटा स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है पता है ना वन एटी डिग्री कह रहा है वन एटी डिग्री का थ्री बाई फोर फाइंड करो कर लो भाई वन एटी का थ्री बाई फोर वन एटी का थ्री बाई फोर फोर्टी थ्री अच्छा फोर्टी थ्री बाई फोर कृष्णा कार्तिक बेटा फोर्टी थ्री बाई फोर आएगा डोंट स्पैम डोंट स्पैम सेवेंथ का आंसर कितना आएगा अभी करो महेश कह रहे हैं सी एक ही बच्चा है जो अरे तो स्पैम मत करो यार डोंट स्पैम डोंट स्पैम बेटा इसको कट कर दो four से टाइम 16 फाइव जा ट्वेंटी फोर्टी फाइव इंटू थ्री होता है थर्टी परसेंट कितना बेटा नीचे आएगा चलिए जीरो उड़ा दो सारे के सारे एक दो एक दो ट्वेंटी वन इंटू थ्री होता है सिक्सटी थ्री पीछे आ जाएगा जीरो आंसर आएगा छह सौ तीस एट का आंसर आएगा सी नाइन्थ के अंदर कह रहा है बेटा आपको क्वेश्चन भी फाइंड करना है एंड रिमाइंडर भी फाइंड करना है जब इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं सेवेंटी फाइव से तो कर लीजिए बेटा इस पूरी वैल्यू को सेवेंटी फाइव से डिवाइड तो कह रहा है फाइव एट थ्री एट को अगर मैं सेवेंटी फाइव से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा यहां कौन सी वैल्यू आएगी बेटा और लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा मेरे को दोनों चीजें जाननी है चलो भाई सॉल्व करो हो जाओ क्या आएगा भाई नाइन्थ का नाइन्थ का सेवंथ की तो बात ही नहीं कर रहा नाइन्थ का भाई सेवेंटी फाइव से बेटा सात बार कर लो तो ये आएगा आपको पांच सौ पच्चीस और यह आएगा एट सात में से छह गया सात में से दो गया इस पांच और फिर से बेटा कितना आएगा 77 सेवन टाइम कितना आएगा फाइव ट्वेंटी फाइव यहां आएगा थ्री यहां आएगा सिक्स तो सर क्वेश्चन आएगा सेवेंटी सेवन रिमाइंडर आएगा सिक्सटी थ्री आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेंथ पे हाउ मच लेस इज 5.0083 पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री फ्रॉम एट पॉइंट फाइव सिक्स कह रहा है बेटा ये इससे कितना कम है मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है एट पॉइंट फाइव सिक्स में से क्या माइनस कर दो फाइव पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री यहां पर भी जीरो कितना कम आएगा आपको आंसर बताना है एक ही ऑप्शन दिखेगा बेटा आई ग आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा दस में से तीन गया सात सर लास्ट में आएगा सात एकमात्र ऑप्शन ऐसा है बेटा जिसके अंदर सात आ रहा है टेंथ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए थ्री पॉइंट फाइव फाइव वन सेवन चलिए द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन बेटा दे से कम जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालना है तो पहले सबका सम करो और पता करो कितने प्राइम नंबर बेटा बेटा डाउट है तो तो पूछ लो तो बेटा, देखो मैं प्राइम दिख रहा हूं एक प्राइम नंबर देखो स्टार्टिंग होगी दो से फिर तीन फिर पांच फिर सात फिर ग्यारह फिर तेरह फिर बेटा सत्रह फिर उन्नीस फिर आएगा तेईस और चौबीस तीन पच्चीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस कितने प्राइम नंबर काउंट करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तीन तीन छह सात आठ नौ दस दस प्राइम नंबर है बेटा सबका सम करो और दस से डिवाइड कर देना ये आपका होमवर्क रहेगा सबका सम करके दस से डिवाइड कर देना दिस क्वेश्चन होमवर्क आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे कह रहा बेटा हाउ मेनी टाइम्स ट्वेंटी शुड बी एडिड टू गेट वन ट्वेंटी बीस को मैं कितनी बार ऐड करूं कि एक सौ बीस आ जाए तो बीस प्लस बीस चालीस दो बार हो गया साठ अस्सी सौ एक सौ बीस बीस को बेटा अगर मैं छह बार ऐड करूं ना तो ट्वेंटी इंटू सिक्स मेरे को कितना देता है वन ट्वेंटी देता है। आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर बी हाउ वी हैव टू फाइंड एक्स बेटा क्वेश्चन दो ज्योति बेटा क्वेश्चन दो ऐसे मेरे को समझ में नहीं आएगा डाउट इन क्वेश्चन नंबर नाइन बेटा अब हो गया बेटा वो तो हो गया जो हो गया सो हो गया फाइंड द सम ऑफ लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट कह रहा बेटा इन चार डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बताओ बनाओ सबसे छोटा नंबर बताओ और उन दोनों का क्या है सम क्या होगा उन दोनों का दोनों का सम बता दो तो बेटा सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा पता है 8643 और सबसे छोटा नंबर बनेगा 3468 इन दोनों का सम क्या होगा आठ और तीन ग्यारह छह और दस एक ग्यारह छ और दस एक ग्यारह आठ नौ दस ग्यारह बारह वन टू वन 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 सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का सम बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर किसने दिया है ओके okay, दक्षित प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल स्कूल में वन सिक्स मार्क्स आय सेक्शन होगा मुश्किल है बेटा बहुत कम चांस है एट्टी परसेंट पूरे एग्जामिनेशन का एट्टी परसेंट चाहिए वरना आपको सिलेक्शन होगा इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा दोनों में फर्क होता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 360 सिक्सटी टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है बेटा 360 में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं माइनस करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो बेटा 35 को माइनस करके देख लो पहले तो कितना आ रहा है पांच पांच में तीन के दो 525, नहीं तो सौ 325 नहीं है चौदह तो का ये तो आएगा नहीं तो छत्तीस को माइनस कर दो तो बेटा चौतीस आ जाएगा देखो थ्री में से क्या कर, तो बेटा? 36 कर तो। आ आ दो बेटा थर्टी माइनस कर दो भाई साहब यहां आएगा चार यहां आएगा दो तीन सौ चौबीस तीन सौ चौबीस होता है बेटा अठारह का स्क्वायर होता है आंसर आएगा ऑप्शन बी आंसर आएगा ऑप्शन का आंसर आएगा ऑप्शन बी सर क्वेश्चन इज एक्स रेशियो ट्वेंटी रेशियो ट्वेल्व रेशियो फोर्टी बेटा क्वेश्चन ही नहीं है बेटा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा एक्स रेशियो ट्वेल्व अच्छा प्रोपोर्शन कुछ नहीं बेटा ट्वेंटी रेशियो फोर्टी कुछ नहीं करना होता बेटा फॉर्मूला होता है आपका ट्वेल्व था ना ये ट्वेल्व है ये ट्वेल्व है बेटा देखो इन दोनों को इंटू करो पास वाले दोनों को इंटू करो दूर वाले दोनों को इंटू करो तो ट्वेल्व किससे इंटू होगा ट्वेंटी से फिर आएगा इक्वल का साइन एक्स किससे इंटू होगा बेटा आपका फोर्टी से पास वाले दोनों का प्रोडक्ट दूर वाले दोनों के के प्रोडक्ट दो बार गया दो से एक बार गया से दो बार गया, से छह एक एक्स तो की वैल्यू कितनी सबने दे दिया तीन सौ में खरीदी और एक सौ पचास में बेच दी तो बराबर आधे रुपए में बेची है तीन सौ में खरीदा बेटा कितने का लॉस हुआ का तो आधे का लॉस हुआ बेटा आधा क्या होता है पता है फिफ्टी परसेंट होता है बाकी फॉर्मुले से करो तो सर एक सौ पचास रुपए का लॉस हो रहा है तीन सौ रुपए की चीज पे हो रहा है परसेंटेज निकालना है इंटू हंड्रेड कर दो हंड्रेड बाई टू कितना बेटा फिफ्टी परसेंटेज आएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पंद्रह का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अरे बिल्कुल सही आ जाओ सोलह पे बेटा एमडीएच बारह आदमी किसी काम को बीस दिन में करते हैं एम वन डी वन तो वही काम अगर आपको तीन दिन में करवाना है तो कितने आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी तो सर बारह आदमी किसी काम को बीस दिन में करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को तीन दिन में कर देंगे तो तीन से एक बार तीन से चार बार अगर बेटा उसी काम को आपको तीन दिन में करवाना है तो हमको अस्सी आदमियों को काम पे लगवाना पड़ेगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एट जीरो एटी B नहीं आएगा बेटा वन एटी सॉरी एटी भाई क्या कह रहा है नितिन ने बेटा बीस पेंसिल बॉट की मतलब खरीदी कितने रुपए में चालीस रुपए में आउट ऑफ दीज एट वर फाउंड ब्रोकन इसमें से आठ क्या हो बेटा, गई बेटा टूट गई सोल्ड द रिमेनिंग पेंसिल एट द रेट ऑफ थर्टी अजन तीस डजन के हिसाब से बेटा एक डजन में तीस के हिसाब से बेच दिया है तो पूछा है फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट देखो बेटा सिंपल सर लॉजिक है कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपने 20 पेंसिल कितने में खरीदी बेटा 20 पेंसिल खरीदी चालीस रुपए में तो 20 पेंसिल चालीस रुपए में खरीदी तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई बेटा यहां से एक पेंसिल की कॉस्ट आएगी 40 बाई टू फोर्टी बाई ट्वेंटी यानी एक पेंसिल आपने दो में खरीदी आठ टूट गई तो मेरे पास पेंसिल बची कितनी तो बेटा बीस पेंसिल थी मेरे पास उसमें से आठ टूट गई तो कितनी बच गई बारह बारह क्या होता है डजन होता है बेटा बारह क्या होता है डजन होता है कह रहे हैं बारह पेंसिल को आपने कितने में बेचा तीस रुपए में बेचा तो बेटा मैं कहता हूं अगर मैंने बारह पेंसिल को तीस रुपए में बेचा तो एक पेंसिल को कितने में बेचूंगा आ जाएगा आंसर ओ भाई क्या हो गया बेटा समझो जिसका आंसर भी आ रहा है ना ये ए बी सी ए ए ए वालो सुनो इतना ना क्वेश्चन को लेके टेंशन ना लिया करो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो तुम इतना सोच रहे हो बेटा आपने डजन पेंसिल बेची इधर आओ तुम आपने बीस पेंसिल खरीदी आपकी जेब से कितना रुपया गया चालीस आपने बेची कितनी सिर्फ डजन ही बेची है डजन मतलब बेटा बारह पेंसिल बेची और कितने में बेची तीस में तो चालीस में खरीदा तीस में बेचा कितने का नुकसान हो रहा है हो गया ना नुकसान दस का नुकसान सामने दिख रहा लॉस ऑफ टेन फिर का इतना लोड लिया हाँ, टू सिक्सटी थ्री ओके चलो क्लास मानने वाले बच्चे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए यार मैन सेव्स ट्वेल्व परसेंट ऑफिस इनकम पर मंथ हर एक महीने में बारह परसेंट बचाता है इफ ही सेव्स टू फोर जीरो जीरो इन अंथ फाइंड हिज मंथली इनकम बेटा समझो मेरे पास हिमांशी आए हिमांशी ने कहा सर आप महीने में कितनी सेविंग करते हो मैंने हिमांशी से कहा हिमांशी बेटा मैं महीने में ना ट्वेल्व परसेंट सेव करता हूं हिमांशी ने बोला बारह परसेंट क्या है तो हिमांशी चली गई हिमांशी को लगा सर से दोबारा क्या पूछे फिर महेश आए महेश ने पूछा सर आप महीने में कितने रुपए सेव करते हो तो मैंने कहा बेटा मैं दो हजार चार सौ रुपए सेव करता हूं अब महेश और हिमांशी आपस में क्या बात कर रहे हैं कि हिमांशी कह रही सर ने मेरे को कहा वो बारह परसेंट सेव करते हैं महेश बोलता परसेंटेज अगर वैल्यू के बराबर हो हंड्रेड परसेंट कैसे निकालते हैं क्लास में सीख रखा है डिवाइडेड बाई ट इंटू क्या कर दूंगा हंड्रेड बारह से एक बार बारह से दो बार कितने जीरो एक दो तीन चार यानी बेटा मेरी सैलरी कितनी है बीस हजार ऑप्शन नंबर बी चलिए सिंप्लीफाई करना है आओ भाई बॉर्ड कहता है पहले डिवाइड का काम खत्म करते हैं तो वन बाई सिक्स डिवाइडेड बाई बेटा उसको उल्टा कर दो टू बाई वन कर दो कितना आएगा ये वन बाई थ्री आएगा इस पूरे को सॉल्व करूंगा वन बाई थ्री आएगा फिर कहते हैं बेटा मल्टीप्लाई करना चाहिए कर लो भाई दो से एक बार दो से दो बार तीन से एक बार तीन से दो बार ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन अपॉन या आएगा ट्वेंटी प्लस इसको सोल्व है कितना है वन अपॉन थ्री

ब्रैकेट लगा दिया फिर जा इनटू वहाँ ब्रैकेट लगा दिया फिर फिर बेटा एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया एलसीएम लेके कि मैंने सॉल्व कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजिट्स फाइव एंड एट्स ऑफ अ नंबर आर इंटरचेंज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर बेटा ओरिजिनल नंबर ये है मेरे पास 35768 कह रहा है 5 और 8 की अदला बदली कर दो पांच की जगह आठ को ले आओ आठ की जगह पांच को ले आओ और नंबर रहेगा आपके पास वही तो कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंज करने के बाद डिफरेंस क्या रहेगा बेटा तो दूसरा नंबर कितना बनेगा मेरे पास ये तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो थ्री एट सेवन सिक्स फाइव में से माइनस करना है थ्री फाइव सेवन सिक्स एट इंटरचेंज करना है इंटरचेंज मतलब बेटा अदला बदली कर दो तो ट्वेंटी का आंसर कितना आएगा पंद्रह में से आठ गया बेटा सात आंसर वो होगा जिसमें लास्ट में सात आ रहा है फिर बेटा पंद्रह में से 6 गया आएगा नौ ओके सोलह में से सात गया इस फिर से कितना आएगा बेटा नौ फिर आएगा सात में से पांच गया इस टू आंसर आएगा टू नाइन सेवन सेवन अरे तीन हजार ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में नहीं है बेटा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है छोटी में से बड़ी नहीं कर देनी है ती पहले ही काटती है बेटा कृष्णा कार्तिके टी बेटा पहले ही खत्म कर दिया हमने आओ विमल परचेज फ्लैट फॉर वन लैख कितने में खरीदा बेटा आपने एक घर खरीदा एक लाख में ही मेड कैश पेमेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ द कॉस्ट एंड पेड द रेस्ट इन ट्वेंटी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट वट अमाउंट डिड ही पे इन इंस्टॉलमेंट बेटा देखो मैंने एक लाख का घर खरीदा एक लाख का फिफ्टी परसेंट यानी बेटा एक लाख का फिफ्टी परसेंट कितना होता है है पचास हजार रुपए पचास हजार रुपए ना मैंने कैश में दिए फिर पीछे बच गए मेरे पास पचास हजार और तो मैंने आगे वाले को बोला ये जो पचास हजार रुपए है मैं आपको कितने इंस्टॉलमेंट में दूंगा मैंने बोला कि मैं ट्वेंटी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा तो आपको बताना है एक इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी तो बेटा पच्चीस इंस्टॉलमेंट के अंदर पचास हजार रुपए तो एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितने रुपए दोगे आप पचास हजार डिवाइडेड बाय पच्चीस से एक बार पच्चीस से दो बार आंसर आएगा बेटा हर महीने मैं कितनी इंस्टॉलमेंट दूंगा दो दो हजार की दूंगा और पच्चीस महीने में कितने रुपए दे दूंगा मैं पचास हजार आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ए नहीं आएगा बेटा सारा का सारा इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहा आधे रुपए आधे रुपए रेक्टेंगुलर हॉल 18 मीटर लॉन्ग 16 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर लॉन्ग फाइंड द एरिया ऑफ वराना अरे रे ये क्वेश्चन हमने किया है है सैनिक स्कूल में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बेटा आपके पास एक हॉल इसकी लेंथ कितनी है भाई 18 और ये कितनी है बेटा 16 कह रहा है इसके चारों तरफ ना एक वरान्डा है 2 मीटर का इसके चारों तरफ एक बेटा क्या रास्ता ऐसा हर तरफ से कितना मीटर है 2 मीटर 2 2 दो और दो मीटर तो आपसे पूछा है बेटा वरान्डा का एरिया निकालना ठीक है ना सिंपल सी बात है बेटा इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर मैं ये अंदर वाला छोटा वाला रेक्टेंगल उड़ा दू तो कौन सा एरिया बचेगा तो आप बोलोगे सर जो वरान्डा बचा उसका एरिया बचेगा तो बेटा अंदर वाले का एरिया निकालना है अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है रेड कलर वाला तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ तो अंदर वाले का बेटा एरिया आएगा एटीन इंटू ठीक है इंटू कर लो अब बाहर वाले का एरिया निकालना है तो बेटा बाहर वाले की लेंथ और ब्रेथ पता करो तो आप बोलोगे सर यहां तक तो एटीन है ये पूरा एटीन तो सर ये भी एटीन ये दो तो ये भी दो और ये दो तो ये भी दो अठारह तो दो बीस और ये पूरा कितना आएगा बेटा बाईस यानी बाहर वाले की लेंथ आ गई ट्वेंटी टू ब्रेथ की बात करते हैं बेटा ये देखो यहां तक तो कितना है सर ये सिक्सटीन है सर यहां पे भी दो यहां पे भी दो सोलह और दो अठारह अठारह और दो बीस ये कितना आ गया बेटा बीस तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया माइनस करना है तो बड़े वाले के एरिया क्या बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ तो बड़े वाले की लेंथ कितनी है लार्जर रेक्टेंगल लेंथ है ट्वेंटी टू ब्रेथ है हमारे पास ट्वेंटी यहां एरिया आ रहा है चार सौ चालीस मीटर का स्क्वायर और अंदर वाले का एरिया निकालो और माइनस कर दो बेटा मैं दस बार कह चुका हूं मेरे से डाउट सीधा सीधा पूछ लिया करो क्लास के अंदर डोंट आस्क मी फॉर अ डाउट फिर मेरे को बहुत वेट करना पड़ता है आपका डाउट है अगर मेरे को लग रहा है कि बताना है तो मैं बताऊंगा वरना मैं स्किप कर दूंगा हाथ तो पूछ लिया करो ये आएगा बेटा टू एटी मीटर स्क्वायर तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो 288. यहां आएगा दो किस में आ रहा है यहां आ रहा है एक सौ बावन ठीक है बेटा समझ लो कुछ नहीं कह रहा एक ग्राउंड है इसका ये लेंथ है अठारह और ये सोलह इसके चारों तरफ एक रास्ता है भाई फुटपाथ नहीं देखा क्या ग्राउंड के, के चारों तरफ फुटपाथ होता है ये हर तरफ से कितना है दो मीटर दो मीटर दो मीटर दो मीटर आपसे पूछा है कि फुटपाथ का एरिया निकालना है तो बेटा क्या करोगे बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को उड़ा दो तो आपको क्या बचेगा वरांडा का एरिया बचेगा तो बड़े वाले का एरिया निकालना है तो बेटा एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए तो आपको पता है क्या कि ये कितना है अभी तक नहीं पता लेकिन हमको पता सर ये यह यहां तक कितना है ये अठारह है ये यह यह तो यह 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 यहां तक पूरा अठारह अठारह में ये वाला दो हिस्सा और ये वाला दो हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा ये बाईस हो जाएगा ये आ गया बाईस सेम बेटा यहां तक कितना है ये सोलह है ये कितना है दो है और ये कितना है दो तो सोलह और चार कितना होता है बीस तो बड़े वाले, वाले का एरिया निकालना एरिया क्या होता है लेंथ लेकिन सर तो बड़े वाले का एरिया होगा ये छोटे वाले का एरिया आपको क्वेश्चन में गिविन है बेटा का लेंथ और ब्रेथ है ना अठारह और कितना सोलह तो लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को इंटू करो आपस में माइनस कर दो तो बचेगा क्या बेटा जब बड़े वाले में से छोटा वाला उड़ा दोगे तो बचेगा क्या यही तो बचेगा यही पूछा आपसे कौन से पिछली क्लास में ब्लॉक कर देते मैंने तो कोई ब्लॉक नहीं किया किसी को ठीक है चलो डिफाइंड एक्यूट एंगल बेटा एक्यूट एंगल क्या होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं और 90 से क्या होते हैं छोटे होते हैं ग्रेटर देन जीरो और लेस देन नाइनटी जीरो से बड़े और 90 से छोटे ऑप्शन नंबर डी अगला आ जाओ बेटा ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन कह रहा Add by of a right angle. Right angle है एड थ्री बाई फाइव ऑफ अ राइट एंगल राइट एंगल कितना होता है बेटा नाइनटी कह रहा है नाइनटी का थ्री बाय फाइव निकालो कितना आएगा भैया फिफ्टी फोर और वन बाई थ्री ऑफ अ स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का कितना निकालो बेटा वन बाई थ्री कितना आएगा सिक्सटी कह रहा दोनों को ऐड कर दो फिफ्टी फोर और सिक्सटी को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा आपका हंड्रेड एंड फोर्टीन बाकी क्वेश्चंस बेटा कल करेंगे थैंक यू जय हिंद टू होल बाय थ्री बाय फोर फाइव होल वन बाई क्या बताना क्या बेटा इससे बताना क्या है चलिए फिर बाकी कल करेंगे टेलर थैंक यू